कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेमधारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं श्री जड़ भरत जी द्वारा भवाटवी का वर्णन, जहां उन्होंने राजा रघुगण को बताया है कि ये जो संसार है ये गहन जंगल के समान है, जहां पर सूर्य की किरण भी नहीं पहुंचती, इस प्रकार का ये जंगल है। सूर्य की किरण का अर्थ यहां पर हुआ कि जहां पर लोग आसानी से भगवान का भजन नहीं करते हैं, उनके तरफ नहीं मुड़ते हैं। उनके तरफ मुड़ जाएं तो ये भवाटवी समाप्त हो जाए, लेकिन चूंकि उनके तरफ नहीं मुड़ते हैं तो ये गहन तमोमय अंधकार उनके जीवन में बना ही रहता है। तो इस भवाटवी में इंसान कैसे कैसे भटकता है, श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंध के 14वें अध्याय में बड़ा ही सुंदर वर्णन हो रहा है, जहां पर आज बताया जा रहा है कि ये जो गृहस्थ आश्रम है ना, इसमें नाना प्रकार के यज्ञ और कर्म कांड, विशेष रूप से बेटे बेटियों के लिए ब्याह, यज्ञोपवीत और भी ना जाने कितने प्रकार के संस्कार करने होते हैं, और ये करने ही होंगे क्योंकि ये गृहस्थ के कर्तव्य हैं। ये बड़े ही व्यापक होते हैं और इनको संपन्न करना बड़ा ही कष्टदायक होता है। इनकी उपमा एक बहुत बड़ी पहाड़ी से दी गई है, जिसे सांसारिक कर्मों में संलग्न होने पर लांघना ही पड़ता है। जो व्यक्ति इन अनुष्ठानों पर विजय प्राप्त करना चाहता है, उसे पहाड़ी पर चढ़ते समय कांटों और कंकड़ों के चुभने से होने वाली पीड़ा का सा अनुभव करना होता है। इस प्रकार बद्ध जीव को अनंत यातनाएं सहनी पड़ती है। तो देख लीजिए कितना भयंकर कुचक्र है ये, है ना, कितना भयंकर। अगर कोई भगवान का भजन नहीं करता, अगर अपने परिवार को भगवान के भजन में नहीं लगाता है, संसार को भोगना चाहता है और परिवार को भी संसार के भोग में ही लगाता है, तब उसे ये सारे कर्तव्य करने होंगे, अनेक प्रकार के यज्ञ कर्मकांड सब कुछ करना होगा। बच्चे पैदा होते हैं, उसके बाद यज्ञ करने होते हैं, नामकरण करना होता है, यज्ञोपवीत करना होता है, बेटे बेटियों की शादी करनी होती है। फिर ये हमारे यहाँ माना भी जाता है कि पिता अपने बच्चों का ब्याह करे ताकि परिवार के प्रति उसका उत्तरदायित्व, उसकी जिम्मेदारी पूरी हो। लेकिन अगर हम देखें अपने आसपास तो भयंकर माहौल है। दूसरों की देखा देखी इंसान को ये जो ब्याह आदि अनुष्ठान है उसे करने में बड़ा ही कष्ट उठाना पड़ता है, बहुत पैसा लगता है। सब लोग अपने बेटे बेटियों के विवाह का खर्चा वहन नहीं कर पाते हैं क्योंकि बहुत सारा कुछ देना पड़ता है, बड़े बड़े होटल्स बुक करने पड़ते हैं या बारात घर बुक करने पड़ते हैं, बहुत पैसा चला जाता है, जीवन भर की कमाई एक रात में उड़ जाती है। क्योंकि ये जो दिखाने की भावना है इससे कोई व्यक्ति उबर नहीं पाता है। उन्हें लगता है कि ऐसी शादी करनी होगी जिससे लोग कहें कि वाह भाई, फला फला ने अपने बेटे की या बेटी की शादी की, उनकी शादी तो बहुत बेजोड़ थी, और इस चक्कर में ढेर सारे कर्जे ले लेता है और फिर कर्जों के बोझ तले दबा रहता है। उसके बाद भी छुटकारा मिल जाए ये नहीं, उसके बाद भी कुछ ना कुछ लगा रहता है। अब बेटी के घर ये पहुंचाओ, अब बेटे के घर ये पहुंचाओ, ये वो बहुत कुछ लगा रहता है। यहां तक कि अगर ब्याह की बात ना हो, बच्चा पैदा ही हुआ है तो उसका बर्थडे मनाते हैं। तो अब पहले तो होता था ना कि भगवान के पास चले गए, गरीबों को कुछ बांट दिया तो अच्छी चीज होती थी, लेकिन अभी तो बड़े बड़े हॉल बुक किए जाते हैं, डीजे बुलाए जाते हैं बच्चे के जन्मदिन पर, और बहुत सारे लोग आते हैं, कई बार पार्टीज करनी होती हैं। तो ये सारी चीजें, ये जो सामाजिक कर्म है, जब
गृहस्थों को निभाने पड़ते हैं तो वो बड़े ही संतप्त होते हैं। तब उन्हें लगता है कि हाय मेरे पांव में मानो कांटे चुभ रहे हों या पत्थर कष्ट दे रहे हों, परंतु भौतिक लगाव इतना प्रगाढ़ है कि बहुत कष्ट हो तो भी वो उन्हें छोड़ नहीं पाता है। बच्चे का मुंह देखता है तो उसे लगता है कोई बात नहीं, इसकी खुशी के लिए सब कुछ स्वीकार है। देखा देखी में अपने बच्चे को बड़े स्कूल में डाल देता है। उसके बाद सारा समय फीस कहां से दूं, कैसे दूं, क्या करूं, उस चक्कर में लगा रहता है। तो ये जो संसार है ये बड़ा ही भयंकर है। अंत तक ये चलता है, अंत तक, लेकिन तो भी वो छोड़ नहीं पाता है संसार को। हमारे प्रहलाद जी कह रहे हैं कि हित्वात्म पातम गृहमंद कूपम वनम गतो यद्धरिमाशयेत। यानी कि श्रीमद् भागवतम में ही प्रहलाद जी ने इस गृहस्थ आश्रम को अंधे कुएं के रूप में बताया है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति तृण से आच्छादित यानी तिनकों से ढके हुए अंधे कुएं में गिर जाए तो वो चाहे कितना भी चिल्लाए तो भी उसे मरना होगा ही, ये तय है, है ना। तो इसीलिए अगर कोई व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में पड़ जाए और भगवान का भजन नहीं कर रहा, दिखावे की जिंदगी जी रहा है, वो जो कि अन्य लोग कर रहे हैं वैसा जीवन चाहिए, तब वो बहुत कष्ट झेलेगा ही। गृहस्थ आश्रम में अगर कोई व्यक्ति रहता है तो कई बार उसको अपने संबंधियों के, अपने फ्रेंड्स के घर भी जाना होता है। जब वो लोग बड़ी अच्छी आवभगत करते हैं तो उसे लगता है कि मैं भी अपने यहां बुलाऊं और मैं भी अच्छी आवभगत करूं, ये दूं वो दूं, बस तब क्या होता है वो दास बन जाता है इन लोगों का, चाहे उसके पास पर्याप्त साधन हो या ना हो। तो गृहस्थ आश्रम में क्या होता है कि अपने लाइफस्टाइल के प्रति लोग बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं और उन्हें लगता है कि नहीं, मेरा जो एक स्टैंडर्ड जीवन हो, बहुत अच्छा जीवन चले, ऐसा घर हो, इतने सोफे हो, ऐसा कालीन हो, लोग आए तो घर में एक शोकेस भी हो जहां पर डिफरेंट डिफरेंट चीजें रखी हो, तो बस फंस जाता है। इस तरीके से सारा जीवन वो अपने बनाए हुए कुचक्र में फंसा रहता है, उसे भगवान की याद नहीं आती है, सोचता है शायद कल बेहतर होगा, लेकिन कल बेहतर होता नहीं है। हमारे आचार्य लोग कहते हैं, बौरे मन रहन अटल करी जान्यो, धन दारा सुत बंधु कुटुंब कुल, निरखी निरखी बौरान्यो, जीवन जन्म अल्प सपनों सो, समुझी देखी मन माही, बाधर छह धूप धौराहर, जैसे थिर न रहा ही। जब लगी डोलत बोलत चितवत, धन दारा है तेरे, निकसत हंस प्रेत कही तजहे, को न आवे नेरे, मूरख मुगद अजान मूढ़मती नाही, को तेरो जो को तेरो हितकारी, सो कहे काढ़ी सवेरो, घरी एक सजन कुटुंब मिली बैठे, रुदन विलाप कराही, जैसे काग काग के मुंह में कांका करी उड़ी जाही, कृमि पावक तेरों तन भकी है, समझी देखी मन माही, दीन दयाल सूर हरि भज ले, यह अवसर फिरी नाही। अर्थात हमारे आचार्य अपने मन को ही समझा रहे हैं कि संसार में क्या तूने अपने आप को अटल समझ लिया है, ये कभी मरेगा नहीं, जो संपत्ति स्त्री पुत्र भाई कुटुंबी जन और कुल आदि को देखकर पगला रहे हो, गर्व में झूम रहे हो, अरे ये तो देखो ये जीवन, ये मनुष्य जन्म सपने के समान थोड़ी ही देर का है, जैसे बादल की छाया और धुएं से बने महल हमेशा नहीं रहते, वैसे ही जीवन भी हमेशा नहीं रहेगा। अरे जब तक चलता फिरता और बातचीत करता है, देखता है, तभी तक स्त्री और पुत्र तेरे हैं, तुझसे स्नेह करते हैं, प्राण निकल जाने पर वे ही प्रेत प्रेत बोलकर तुमको छोड़ देंगे, कोई पास नहीं आएगा। इसलिए अरे मूर्ख मन, अज्ञानी मंद बुद्धि, समझ लो कि संसार में कोई तेरा नहीं, जो कोई तेरा हित करने वाला है वही मरने पर कहेगा इसे घर से जल्दी निकाल दो। आत्मीय कुटुंब के लोग एक घड़ी इकट्ठे होकर बैठते हैं और रोते हैं मरने पर, विलाप करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे अगर कोई कौवा मर जाए तो दूसरे कौवे वहां इकट्ठे हो जाते हैं, थोड़ी देर तक कांव कांव करते हैं, फिर उड़ जाते हैं। यदि गाड़ा गया हो तो कीड़े
और यदि जलाया गया तो अग्नि तेरे शरीर को खा जाएगी, ये मन में समझ लेना। इसीलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि मनुष्य जन्म रूपी सुअवसर फिर नहीं मिलने का, इसलिए दीनों पर दया करने वाले श्री हरि का भजन कर ले, अभी भी समय है। तो देखिए बात बिल्कुल सही है और हम ये देख ही रहे हैं कि हमारे जो आचार्य जड़ भरत जी हैं, परम महाजन हैं, परम भक्त हैं, वो बता ही रहे हैं कि कितना कष्ट है इस संसार में और हम इसको क्या समझ लेते हैं कि पार्ट ऑफ लाइफ है, ये जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन हमारे जो महाजन हैं वो बता रहे हैं कि अगर आप अपनी संपत्ति पर घमंड कर रहे हैं, अपनी स्त्री, अपने पुत्र, अपने कुटुंबी जन, अपने कुल पर घमंड कर रहे हैं, तो समझ लेना कि ये घमंड ज्यादा देर रहेगा नहीं, आपका जीवन ही स्थिर नहीं रहेगा। जैसे कि धुएं से कोई महल बनता है, तो क्या वो महल ऐसा होता है कि जो स्थिर रहे, हमेशा रहे? ऐसे ही तो हमारे महाजन कहते हैं कि पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात, बुलबुले के समान है मनुष्य की जात, यानी मनुष्य का जीवन समाप्त हो जाएगा, देखते ही देखते क्षीण हो जाएगा। तो किसे कहें कि कोई मेरा है, क्योंकि यहां तो यही बोल रहे हैं ना कि जब प्राण निकल जाएंगे तो जिस शरीर के लिए हमारी स्त्री या पुत्र या पति या बाकी लोग मेरा मेरा कहते थे, या तुम मेरे हो, मुझे वचन दो, तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे, तुम्हें एक आंख दूर नहीं देख सकती, तुम मेरे पास ही बैठा करो, और हमें लगता था बहुत प्रेम है भाई, बहुत ज्यादा प्रेम है, वही कहेंगे प्राण निकलने पर, अरे मिट्टी है, ले जाओ इसे, जल्दी ले जाओ भाई, यहां बदबू आ जाएगी, शरीर सड़ जाएगा। तो और अगर मान लीजिए भगवत कृपा से वो फिर से उठ बैठा तो तुरंत डर जाएंगे, अरे प्रेत आ गया क्या इनके शरीर में, भागो भागो, हटाओ इसे। तो असलियत भयंकर है, असलियत बहुत भयंकर है। बहुत अच्छा यहां पर बताया कि अगर एक कौआ मर जाता है तो कुछ कौए आते हैं और काव काव करते हैं, फिर उड़ जाते हैं। ऐसे ही देख लीजिए, कोई कितना भी प्रिय संबंध क्यों ना हो, अगर वो मर जाता है तो सूतक लग जाते हैं, हम अपवित्र हो जाते हैं, भगवान के मंदिर तक नहीं जा सकते हैं। तो इतना अपवित्र संबंध है, सारे संबंध, सारे के सारे संबंध जो भगवान से जुड़े हुए ना हो, भक्त गुरु इनके संबंध को छोड़ करके, भगवान इनके संबंध को छोड़कर बाकी सारे संबंध ऐसे हैं कि सूतक लग जाते हैं मरने पर, बताइए भला। कोई आता भी है, सहानुभूति करता है, अरे भाई बड़े अच्छे थे, अरे हाँ जी एक दिन उन्होंने हमारे साथ ये किया था, अरे भाई ये दुनिया तो बस आनी जानी है, अरे भगवान ये तेरी कैसी माया है, बस बोला कुछ, कहा दो आंसू टपकाए और उसके बाद चले गए कि आप पीछे रह गए हैं, सांत्वना रखिए, कोई बात नहीं। काव 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 दुनिया भर की होती रहती है और सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। उन्होंने ये देख भी लिया कि भाई ये व्यक्ति नहीं जिया तो अब मेरी भी बारी कभी भी आ सकती है, लेकिन तो भी कोई चेतता नहीं है, सतर्क नहीं होता है। जितने पाप हो रहे हैं आज समाज में वो बदस्तूर जारी रहते हैं और आगे भी और अधिक पाप होंगे ही, क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति भगवान की तरफ नहीं मुड़ेगा तब तक उसका चित्त भला शुद्ध कैसे होगा। खाली कोरे उपदेशों से शुद्धता नहीं आती है, भजन करने से शुद्धता आती है, कोरे उपदेशों को सुनने से कि भाई हमें अच्छा होना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, हम दान करें, ये सब अच्छी चीजें हैं, लेकिन इनसे चित्त शुद्ध होगा क्या? जब हम भगवान का नाम लेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे, भगवान के भक्तों की सेवा करेंगे तो चित्त में शुद्धता आएगी और तभी हम ये कह सकते हैं कि एक सुंदर समाज का निर्माण होगा, तभी लोग भक्त हो सकेंगे, अपने जीवन को, मनुष्य जीवन को सफल कर सकेंगे। याद रखिए।